नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे से ट्यूशन पढ़कर वापस लौट रही दो छात्राओं के साथ खिस्सूखेड़ा झाल पर छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर दो आरोपी के विरुद्ध छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। दरअसल चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव निवासी कक्षा 11 की दो छात्राएं कस्बे के एक इंटर कॉलेज में पढ़ती हैं। रोजाना की तरह वह ट्यूशन पढ़कर वापस घर लौट रही। आरोप है कि जब वह घिस्सूखेड़ा झाल के पास पहुंची तो वहां पर पहले से खड़े दो युवकों के द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ करते हुए एक के खेत में खींचने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा शोर मचाने पर वहां पर लोगों को आता देख दोनों युवक मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही चरथावल थाना प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने दोनों छात्राओं का मेडिकल कराते हुए पीड़ित परिजनों की तहरीर पर छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। वहीं सीओ सदर भी घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण करते हुए घटना की जानकारी प्राप्त। रोजाना जी तो यहाँ से एक लड़का साइकिल पे, दो लड़के साइकिल से छेड़ी, यहाँ से 100 मीटर आगे साइकिल पे जाके साइकिल पे लड़की नीचे गिरा ली, पब्लिक आगे फिर आगे पीछे से जब छोड़ कर भागे। हम तो चाहेंगे लट बजे इन पर लटो भाई, घटना ना घटे, ये तो अच्छी बात थोड़ा ही है। पहले भी हुआ, पहले दिवालिया का आता है। देखिए, आज शाम के करीब ग्राम घिस्सूखेड़ा थाना चरथावल से एक व्यक्ति आए, उनके साथ और भी लोग थे। उन्होंने थाने पर आकर तहरीर दिया कि आज दोपहर में उनकी बिटिया और उसके साथ एक और बिटिया थी उसी गांव की, जब वो कस्बा चरथावल से ट्यूशन पढ़ के गाँव घर की तरफ जा रही थी तो घिस्सूखेड़ा नहर के पास ही अन्य समुदाय के दो युवक उनको रोक कर उनके साथ छेड़खानी किए। लड़कियों ने शोर शराबा किया, स्थानीय लोग आकर उन्हें मदद किए। तहरीर प्राप्त कर पुलिस ने तत्काल सुसंगत धारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। ये भी तथ्य बताना है कि स्थानीय लोगों ने जिन लड़कों द्वारा ये घटना कारित किया गया तो उसमें से एक को पकड़ रखा था, उन्हें भी पुलिस पूछताछ के लिए थाने लाई है, उनसे भी पूछताछ किया जा रहा है। पूरे तहरीर पर सुसंगत धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत करा लिया गया है। बच्चियों का मेडिकल की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है। एक अभियुक्त जो शेष शीघ्र उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा। पूरे प्रकरण की जांच मेरे द्वारा की जा रही है, समस्त बिंदुओं पर जांच करके आगे की वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित किड सेवन पब्लिक स्कूल में मंगलवार को सीबीएसई बोर्ड के हाई स्कूल व इंटर की मेधावी छात्र छात्रा को प्रबंध कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य मनीष कुमार ने बताया कि कक्षा 10 में राधिका मित्तल, अवनी त्यागी, सदफ मलिक ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान। कक्षा 12 में क्रिश्चियन मोहम्मद सायान, मिसबाहुर रहमान ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। दोनों कक्षाओं के मेधावी छात्र छात्राओं प्रबंध समिति सदस्यों द्वारा सम्मानित किया गया। विद्यालय में उपस्थित अभिभावक गणों ने भी सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं का आभार जताया। इस अवसर पर प्रबंधक सत्यप्रकाश धीमान ने कहा कि छात्र छात्राओं द्वारा किया गया प्रयास आज सफल हुआ और आगामी होने वाली प्रतियोगिताओं में भी आप इसी तरह अच्छे अंक प्राप्त कर देश के एक जिम्मेदार नागरिक बने। संस्थापिका सुनीता धीमान ने कहा कि हमने उनके सर्वांगीण विकास पर जोर दिया, बच्चों की प्रतिभा को परख कर उन्हें हर प्रकार से सही मार्गदर्शन मिला, जिससे आज सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकों में खुशी की लहर है। अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और छात्रों को समाज का कुशल मार्गदर्शक बनाने के लिए विद्यालय व अभिभावक दोनों का योगदान होना अति आवश्यक है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।